हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर द मेकओवर। तो आज मैं आपके लिए फेशियल का वीडियो लाई हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे कंप्लीट फेशियल करना है सब कुछ बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने ब्लीच अप्लाई किया है। तो ब्लीच हमें अपर लिप से स्टार्ट करना होता है। अपर लिप से हमने ब्लीच को स्टार्ट किया एंड हेयर्स की जैसी डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में हमें ब्लीच को अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे ब्लीच और फेशियल दोनों हो रहा है, यानी कंप्लीट फेशियल हो रहा है। जब क्लाइंट हमसे बोलता है ना कि उसे क्लीन अप कराना है, तो हम उसमें ब्लीच स्किप कर देते हैं, ओनली मसाज देते हैं क्लाइंट को। लेकिन जब वो कंप्लीट फेशियल कराता है तो हमें ब्लीच को ऐड करना होता है, या फिर कस्टमर बोले कि उसे ब्लीच नहीं करानी है तो आप ब्लीच को स्किप कर सकते हैं। तो ब्लीच मैंने यहाँ नेचर्स की डायमंड ब्लीच यूज़ की है। मैंने ज़्यादा डिटेल में ब्लीच का वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि ब्लीच का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। O3+ की ब्लीच आपको कैसे करनी है पूरी डिटेल में वीडियो पड़ा हुआ है, पूरा सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है ब्लीच का। तो आप एक दफ़ा चैनल को ओपन करके ज़रूर देखिए। मेरा चैनल पार्लर से रिलेटेड है और ब्यूटिशियन से रिलेटेड है, तो आपको लॉट्स ऑफ फेशियल, ब्लीच, थ्रेडिंग, मेकअप, हेयर स्टाइल के वीडियोस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे चैनल पे। तो आप चैनल को ओपन करके ज़रूर देखें। ये देखिए, ब्लीच हमारी हो गई है। तो आपको अपर लिप पे चेक करना है कि आपके बाल गोल्डन हुए हैं या नहीं। ब्लीच को हमेशा ऐसे ही चेक किया जाता है, 8 मिनट पे 10 मिनट पे आपको चेक कर लेना। जैसे ही आपके हेयर्स गोल्डन हो जाएं आपको ब्लीच हटा देनी है। तो मैंने ब्लीच हटा दी, उसके बाद मैंने किवाना का फेशियल ये यूज़ किया। 5 स्टेप हैं इसमें। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है क्लींसर। वैसे तो हमारा फेस ऑलरेडी क्लीन है क्योंकि हमने ब्लीच की हुई है, तो पहले क्लीन कर ही ब्लीच की थी, बट इसमें स्टेप दिया हुआ है क्लींसर क्योंकि बहुत से लोग क्लीन अप कराते हैं ऐसे ही फेशियल किट से, तब उसमें हमें ब्लीच तो ऐड करनी नहीं होती है, तो हमें क्लींसर दिया होता है ताकि हमारा फेस क्लीन हो जाए अच्छे से। तो इस तरह से आपको अच्छे से जेंटली मसाज देना है, अच्छे से पूरे फेस पे, नेक पे। एंड जब भी आपको ब्राइड का फेशियल, क्योंकि इनकी शादी है, ये ब्राइड है, इनका फेशियल है, तो आपको जब भी ब्राइड का फेशियल करना है तो आपको बैक, नेक, है ना, जो है आपको पूरे पे फेशियल करना है, फेस पे, बैक पे, नेक पे, ताकि सारा कुछ जो हमारा बॉडी का पार्ट है वो एक जैसा ही लगे, बिल्कुल कलर डिफरेंस ना लगे बैक और नेक पे। तो इस तरह से देखिए, हमने नेक पे भी किया हुआ अच्छे से। थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके आपको जेंटली हैंड से मसाज करना है बिल्कुल, और अच्छे से आपको मसाज देना है। जैसे जनरल स्ट्रोक है, रबिंग है, सर्कलिंग है, फुल फेस सर्कलिंग है, नोज़ रबिंग है, लिफ्टिंग है। तो ये बहुत सारे से स्टेप्स होते हैं फेशियल में। अगर आप कहेंगे, आप कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कंप्लीट फेशियल स्ट्रोक्स पता करने हैं कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब के नेम है, तो मैं ज़रूर एक सेपरेट वीडियो के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो ये देखिए, मैंने फिर दूसरा स्टेप यूज़ किया है। दूसरा स्टेप हमारा स्क्रब का है। तो जो स्क्रब हमारा होता है वो हमारी दानेदार क्रीम होती है, यानी इस क्रीम में हमारे थोड़े थोड़े से दाने होते हैं। तो जितना हमने मसाज बाकी क्रीम में हमने जितना प्रेशर रखा है मसाज में, उससे थोड़ा सा लाइट प्रेशर रखना है हमें स्क्रब की क्रीम में, क्योंकि इसमें दाने होते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रेशर लाइट रखना है। तो देखिए, हमने स्क्रब अच्छे से बैक पर भी किया है ताकि सारी डेड सेल, सारी गंदगी, सारा पॉल्यूशन निकल जाए। इस तरह से बैक पे भी करना है और फ्रंट नेक पे भी करना है, और आपको इस तरह से फेस पे भी अच्छे से स्क्रब कर लेना है, है ना। तो आपको सारे स्टेप्स देने हैं, जनरल स्ट्रोक है, फिंगर वाली लिफ्टिंग है, एंड सीजर है, आईज़ सर्कलिंग है। थोड़ा सा आपको स्क्रब के जो आईज़ के जो मसाज होते हैं वो आपको स्क्रब में थोड़ा सा स्किप करने हैं, क्योंकि स्क्रब में दाने होते हैं वो हमारी आईज़ में ना चले जाए, तो इसलिए थोड़ा सा आईज़ वाले जो मसाज स्टेप्स हैं उनको हमें स्किप करना होता है स्क्रब की क्रीम में। तो इस तरह से आप अच्छे से जेंटली हैंड से मसाज करें खूब अच्छे से। तो डियर, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लाइट नहीं आ रही, मैं अंधेरे में वीडियो बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप अगर वीडियो यहाँ तक के देख रहे हैं ना, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका पैसा नहीं लगता लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, है ना। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते तो मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तो ये देखिए, फिर हमारा तीसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में हमारी क्रीम दी हुई है, बिल्कुल बहुत ही जो है सॉफ्ट क्रीम जैसी दी हुई है, इससे हमें अच्छे से मसाज करना। तो क्रीम ये काफ़ी अच्छा फेशियल है, किवाना का फेशियल, और देखिए अभी से हमें ग्लो प्रोवाइड हो रहा है फेस पे। तो अच्छे से देखिए, नोज़ रबिंग है, सीज़र वाले स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आपको ज़्यादा करना है, ये फेस पे ग्लो बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से आईज़ पे, फेस पे, स्टेप बाय स्टेप पूरा फेशियल
मैंने इसमें बताया हुआ है। तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ स्टेप आ गया। फोर्थ स्टेप हमारा मास्क दिया हुआ है, तो आप इसको ब्रश की भी हेल्प से लगा सकते हो और इस तरह से मेरी तरह फिंगर की भी हेल्प से लगा सकते हो। तो मैं इसको फिंगर से, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो मैं इसे फिंगर से अप्लाई कर देती हूँ फेस पे। तो इस तरह से इस मास्क को आपको पूरे फेस पर अप्लाई कर देना, ओनली फेस पर। आप चाहें तो नेक पर भी अप्लाई कर सकते, पर मैं नेक पर अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं मास्क को सिर्फ फेस पर अप्लाई करती हूँ। और इसको ड्राई होने देना है। तो ये ड्राई हो गया है जैसे ही मैंने इसको वॉश कर दिया है, तो आपको इसको ड्राई होने तक वेट करना है। मैंने ना वीडियो को फास्ट कर दिया है, बहुत सारी सी वीडियो कट कर दी क्योंकि आप लोग लॉन्ग वीडियो नहीं पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने एक एक स्टेप में बहुत कम मसाज, नहीं, एक एक स्टेप को मैंने प्रॉपर 8 to 10 मिनट मसाज किया, यानी 8 से 10 मिनट तक मैंने एक एक स्टेप को मसाज किया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। फिर स्प्रे से देखिए, वाटर स्प्रे से मैंने फेस को पूरा क्लीन कर लिया और आप देखिए कि कितना अच्छा ग्लो आ रहा है फेस पर, है ना। तो जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो हमारा सीरम का दिया हुआ है। तो ये फिफ्थ स्टेप में हमें सीरम दिया, सीरम को हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, हमें बस फेस पे अप्लाई करना है और डैपिंग मोशन में फेस पे अप्लाई कर देना है। ये हमारा मॉइस्चराइज़र का भी वर्क करेगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है बस, तो आपका फेशियल कम्प्लीट हो जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसी अच्छी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।